અભી સંવત 2492 જેઠ વર્ષ બીજ રવિવાર તારીખ 5-6-66 ના દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામી નો શ્રી ઈશ્વરદાસ ના શ્લોક 51 તથા 52 અને આખેર ના 2 અને 3 ઉપર સ્વર્ણપુરી માં પ્રવચન સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 56 નમો નોય સૌરિયંતાણમ નમો નોય સૌરિદાનમ નમો નુવિ સૌ આયુર્યાન નમો નુવિ સૌ ઉજ્જયાન નમો નુવિ સૌ ત્રિકાળવતિ શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ ઔષધમ શ્રી ઓમકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમી મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્ર મંગળમ નમઃ સ્વાનુભૂત્યાચકાસ્તિ સ્વાય ભવાય आचार शास्त्र के अध्ययन करने का और साथ साथ अध्ययन करने का साथ साथ और परंपरा से होने वाला फल को बतलाते हैं। ईष्टोपदेशम इति सम्यक अधिक प्रतिमान मान अपमान समताम सोमता वितन मुक्त आग्रहो विनिवस स्वजने वनिवा मुक्ति स्वयं निरूपाम उपयाति भव्य। क्या कहते हैं इति ईष्टोपदेश सम्यक एनर्जी का निश है। इस प्रकार इष्टोपदेश जो भली प्रकार पढ़कर मनन कर भली प्रकार इष्टोपदेश में कहा हुआ भाव भले प्रकार के अंतर में समझकर हित अहित की परीक्षा करने से दक्ष अपना शुद्ध स्वरूप आनंद स्वरूप कोई अपना हित आदरणीय है ईश्वराय सब विकल्प आदि अहित कर ये है। समझ में आया अब कब क्या है जब से समझ में आया कि आत्मा वापचास में आ गया है जीव ने पुद्गलन सो दो में समावेश कर दिया है। आत्मा अपना अतिन्द्रिय आनंद स्वरूप रखते हैं कोई स्वरूप अंतर में प्रथम में ही उपाधि हित कर आश्रय करने लायक है। बराबर समझ में आया बाकी व्यवहार नहीं का विषय विकल्प हो सुबह सुबह आदि निमित हो पर साक्षात सर्वज्ञ देव परमेश्वर हो तो व्यवहार नहीं का इस कथन है विषय है ये छोड़ने लायक है। बराबर समझ में आया भली प्रकार पढ़कर हित अहित की परीक्षा करने में दक्ष निपुण होता हुआ बल अपने आत्मज्ञान से सार आया। सारा इष्ट उपदेश सुनकर उसने क्या करना उस नीचे कहेगा इष्ट नाम अपना आनंद और वो आनंद तो मोक्ष में है ऐसा पूर्ण आनंद की आत्मा स्वरूप में आनंद है वो तरफ का ध्यान करना वो मोक्ष और सुख में ध्यान तीनों को यहाँ इष्ट कहने में आया है। समझ में आया आत्मा सहजानंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद नहीं मूर्ति आत्मा है
उसमें से प्रकट मोक्ष दिशा जिसमें परम आनंद है उसको इष्ट कहते हैं, उस सुख रूपी मोक्ष उसको इष्ट कहते हैं। अने इष्ट अपना आत्मा अखंड आनंद स्वरूप में एकाग्र करके ध्यान करना वो इष्ट है। बराबर समझ में आया? दूसरा कोई इष्ट है नहीं। वो भव्य अपने आत्मज्ञान से अपना ज्ञान में मैं शुद्ध चिदानंद हूँ ऐसा शुद्ध आत्मा का आश्रय करके पवित्रता सम्यक दर्शन आदि प्रकट किया है। वो ज्ञान से मान अपमान में क्षमता का विस्तार कर छोड़ दिया है। अग्रह क्या कहते हैं विशेष के का विशद अर्थ में अपना स्वरूप शुद्ध चिदानंद स्वरूप उसका आश्रय करके संगत दर्शन ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद जिसने ले लिया है। अग्नि धर्म 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 का अर्थ जो धर्मी आत्मा उसमें अतीन्द्रिय आनंद है। ये अतीन्द्रिय आनंद को आश्रय करके पर्याय में अवस्था में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद अनुभव लिया है उसको धर्म ने उसको धर्मी कहते हैं। बराबर समझ में आया? कुमुदन जी क्या कहते हैं हम क्या दुष्वरती को बात आती नहीं है। आत्मा अतीन्द्रिय प्रभु आनंद की गांठड़ी ऐसा भगवान आत्मा उसका परिपूर्ण दिशारूपी मोक्ष को हितकर अथवा इष्ट है और अपना अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप में संभाल करके एकाग्र होना ध्यान स्वरूप की एकाग्रता उसमें आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का सम्यक दर्शन ज्ञान में स्वाद आया है। वो कारण अपनी बाहर की महत्ता में मान को उत्पन्न नहीं होता और महत्ता की खंडन में अपमान उत्पन्न नहीं होता। क्या कारण से आत्मज्ञान से आम महत्ता में अभिमान न हो अने खंडन में दोष न हो वो तो फूर बाहर की बात वो चीज नहीं। ये तो बाहर अनादि किया उसने अपना आत्मा का आनंद आ गया सब बात उसको फीकी लगती है। कुरान आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ शंकर देव है ये आत्मा देखा है तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप उसने देखा ऐसा अपनी दृष्टि से अपना आत्मा को दृष्ट नाम दृष्टा से दृष्ट करके ज्ञेय से ज्ञान करके अपना आत्मा में इष्टपणा ध्यानपणा शांतिपणा आनंदपणा जिसने प्रकट किया है। वो आनंद आदर मान अपमान में क्षमता का विस्तार कर उनको चाहे सो पदार्थ हो महत्ता की मिलने वाली चीज के महत्ता की खंडन करने वाली अपमान की चीज आया। ये अपना आत्मा आनंद ने वितराग स्वरूप है ऐसी दृष्टि और ज्ञान हुआ है वो कारण है मान अपमान में क्षमता का विस्तार करते हैं। बराबर राग ने विकल्प का विस्तार न करके क्षमता का विस्तार वितन है न शब्द पर आए
पाठ रहे ना वीतन्य पहला शब्द में छिल्ला समझा वीतन्य चंद भाई वीतन्य अर्थ कह रहे थे ना विशेषण विस्तार्य क्या है जरी सूक्ष्म बात है कि अपना आत्मा सारा शास्त्र समझ के करना क्या समझ में आया क्या करना शास्त्र बनाना दुनिया को समझाना समझ में आया क्या वो शास्त्र समझने का वो सार है समझ में आया आए तो कहते हैं कि शास्त्र का सार समझ कर अपना आत्मा ज्ञानानंद का भान हुआ वो भान के आनंद का स्वाद आ गए मान अपमान का काल में अपना स्वभाव सन्मुख की क्षमता का वितरागता का विस्तार करते हैं उसका नाम इस उपदेश का फल कहने में आता है मान अपमान में क्षमता का विस्तार कर क्या कहते हैं ऐसी सामग्री इंद्र आकर महत्ता दे और साधारण निर्धन आदमी कौन अपमान करे दूर में मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ अपना आनंद का सकिंद्री खान का स्वाद लिया है ऐसे इष्ट का हित कर जिसने उपदेश का लाभ अंतर में प्राप्त किया है कि अपनी शांति का विस्तार करते हैं विकल्प का विस्तार छोड़ते हैं वो कहते देखो क्षमता का विस्तार कर मान क्या परमान अभिमान है क्या है फिर तो हम क्या क्षमता है और न मान क्या मान किस प्रकार है भगता मोतू मान तुम अभव्य त्रिभुवन अपमान या सर्वज्ञ परमेश्वर ने आज्ञा प्रमाण है अपना स्वरूप का भान हुआ और सर्वज्ञ ने स्वीकार किया तो वो संजय ज्ञानी बराबर है कहते हैं तेरे किसका मान रहे तुझे और सर्वज्ञ क्रिया ज्ञान बाहर जिसने अपना ज्ञान स्वरूप की रुचि दृष्टि अंतर किया नहीं और मान लिया कि हम धर्मी है दुनिया मान आपसे है तो भगवान की आज्ञा में अपमान हुआ तेरे किसके अपमान चाहिए है भगवान का अपमान पूरा हो गया भजता मोटू मान सर्वज्ञों ने सर्वज्ञ ने आज्ञा प्रमाणे अपना भान हुआ कहते हैं कि भगवान का मान हुआ भगवान ने स्वीकार होती संज्ञा नहीं है कीर्तन किसका मान चाहिए तेरे समझ में आया और भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप उसकी दृष्टि ज्ञान हुआ नहीं अने दुनिया तेरे मान आपे भगवान से तो अपमान हुआ है तेरा हमसे कौन अभव्य त्रिभुवन अपमान अपनी स्वरूप दृष्टि ज्ञानानंद चैतन पुण्यपाप का विकल्प से पृथक का भान नहीं करा दुनिया सारा मान आपे तो कहते हैं कि भगवान की तो अपमान किया गिना है क्या तेरा स्वीकार है हर मान आपे तेरा अपमान दुनिया का संज्ञा लेना है समझ में आया आखिर में आधा समझी है मान अपमान में क्षमता का विस्तार मैं तो उसका अर्थ हो कि वो समय में अपना शुद्ध चैतन भगवान उसमें दृष्टि मुकर विशेष शांति का लाभ लेना चाहिए
समझ में आया? कर दिया है आग्रह जिसने। अरे यहां जरी अनुकूल है, यहां जरी प्रतिकूल है, आ चीज ठीक है, आ चीज ठीक, ऐसा मिथ्या आग्रह जिसने छोड़ दिया है। बराबर समझ में आया? हाँ, शरीर ऐसी रहे तो ठीक, ऐसा हवा पानी कहीं जंगल में बैठे तो ठीक, अरे गांव में रहे तो ठीक नहीं, ऐसा जिसने अंतर में स्वाश्रय का स्वभाव की बहुमान नाता में पर का पदार्थ की इष्टनिष्ठता अथवा ठीक अठीकता हठ जिसने अंतर में छोड़ दिया है। बराबर आया जिसने ऐसा होकर नगर अथवा वन में विधि पूर्वक रहता हुआ, तो गांव में हो कि वन में हो, जमीन को कोई आग्रह नहीं कि मैं जंगल में ही रहूं। मैं आया इतराग भाव से रहूं, इसका उसकी दृढ़ता है। मैं आया नगर अथवा वन में विधि पूर्वकता हुआ उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। कोई आत्मा अपना शुद्ध इष्ट आत्मा आनंद का स्वाद लेकर इष्टपना प्रकट किया है और उसका एकाग्रता से वितरागता का विस्तार किया है, कोई अल्प काल में मुक्ति नाम पूर्णानंद की लक्ष्मी की संपदा को प्राप्त करते हैं। बस दूसरा कोई बीच में आती बात ये नहीं आया, बीच में कोई उपदेश का विकल्प आदि वो बंद का कारण है तेरे लाभ बिल्कुल इतना स्वरिता में वितरागता का विस्तार हुआ, कोई तेरा इष्ट उससे तेरी इष्ट मुक्ति प्राप्ति होगी, शायद दूसरी कोई चीज उसकी मुक्ति प्राप्ति में है हेतु फेतु है नहीं। विधि ऐसे अपने में एकाग्र विधि, ये आत्मा की अनुभूति करना वो विधि बराबर विधि है नहीं है अजन कहाँ करना, अजन जानपण करना क्या है ना, अजन कौन है? चिदानंद स्वरूप भगवान ज्ञानानंद से विराजमान है, अपनी चैतन्य ज्योति से आनंद से भरा हुआ भगवान है, उसका ज्ञान करके उसकी दृष्टि करके उसका एकाग्रत करना, करने में कर्तव्य हो तो आ कर्तव्य है। मार्ग मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त हुई कह दिया भाई, मार्ग ने मार्ग न फो विशद ईश कहते हैं सुख को अर्थात मोक्ष को, और ईश्वर उपदेश की व्याख्या करते हैं, ईश कहते हैं सुख को अर्थात मोक्ष को, मोक्ष कहो कि सुख कहो, परमानंद की प्राप्ति रूपी मुक्ति वही सुख नहीं मुक्ति। भगवान आत्मा अतिंद्रिय आनंद का धाम प्रभु उसका आश्रय करके पूर्ण एकाग्र होकर पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद की पूर्ण पर्याय की प्राप्ति करना उसका नाम मुक्ति। नया कहते हैं कि इष्ट मोक्ष को ने सुख को इष्ट उसके कारण स्वात्म ज्ञान को जो भाषा नया भगवान आत्मा शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद कंद उसका ध्यान एकाग्रता वो इष्ट है, बीच में विकल्पवादी उठते हैं वो इष्ट नहीं हैं कहते हैं। मैं आया उमजन जी क्या कहते हैं, मंदिर बनवाना ऐसा करना उपदेश देना समझाया मॉडल इष्ट का अर्थ भगवान ने दो किया, एक मुक्ति रूपी पूर्णानंद की शुद्धि की प्राप्ति वो इष्ट, दूसरा इष्ट उसका आत्मा का अंतर एकाग्र ध्यान करना वो इष्ट।
अपना स्वरूप भगवान आत्मा उसकी अंतर में अनुभव की दृष्टि करना, ज्ञान करना, लीनता करना, कोई आत्मा को लीटी इष्ट है, दूसरा को इष्ट है। इष्ट कहते हैं सुख को, अर्थात मोक्ष हो रहे और उसके कारण वो मोक्ष का कारण वो भाई। हाँ तो मोक्ष नो कारण तो आत्मा ने ध्यान किया, वो लोग व्यवहार करा, मोक्ष का कारण तो किया ही नहीं है। कारण केवा मात्र ही है ही नहीं, व्यवहार तंत्र का विकल्प मोक्ष का कारण है ही नहीं। मोक्ष मोक्ष का कारण स्वात्मा का ध्यान करना हो कि मोक्ष मोक्ष मार्ग में है नहीं, चिन्ह काल तीन लोक में, ये तो काल बहुत अभी है। समझे, समझ में आया? हाँ बपोर है, तुम कौन जो बहुत तो कमा भगवान आत्मा पूर्ण विकराल स्वरूप से भरा है, जिसमें विकल्प जो तीर्थंकर गोत्र बंदा ऐसा विकल्प उठते हैं वो भी अनिष्ट है। जिससे तीर्थंकर गोत्र बंदे ऐसा भाव अनिष्ट है, क्योंकि झेर है, दुख है, अनिष्ट है, अहितकर है। एकादिष्टकारी भगवान त्रिलोकनाथ का वाणी में ऐसा आया कि तेरी चीज पूर्णानंद पूर्णपाद का विकल्प से रही, ऐसी चीज में एकदम एकाकार होकर दृष्टि लगाकर गिनी बनाकर स्थिरता करना, ये आत्म ध्यान एक इष्ट है। मोक्ष का कारण भूत स्वात्मज्ञान एक संग पर आया, व्यवहार में भाग विकल्प आ रहे नहीं, चार बंधनों कारण है। बंध का कारण व्यवहार रत्नत्रय, बंध का कारण पाप रूप पतित, नीचे से पतित होता है तो व्यवहार उत्पन्न होता है। मार गए भाई, वितराग मार गए आकर, समझ में आया? क्या कहते हैं देखो, उसके कारण भूत, किसके कारण भूत, पूर्णानंद रूपी प्रमुख की प्राप्ति, उसका कारण कौन, स्वात्म ध्यान। पर ध्यान नहीं, भगवान का ध्यान भी नहीं, साक्षात समोषण में विराजे उसका ध्यान भी नहीं, वो इष्ट नहीं। बराबर भगवान पूर्णानंद नाथ निर्वाण नाथ प्रभु निर्विकल्प सहजानंद ने मूर्ति अपना शुद्ध स्वरूप का ध्यान, ये आत्मा को ध्येय बनाकर अंतर में एकाग्र का होना, वो एक ही मोक्ष का उपाय न कारण है, दूसरा कोई मोक्ष का उपाय कारण है। भगवान आत्मा शुद्धानंद स्वरूप, उसकी अंतर में ध्यान की एकाग्रता, पूरी विक्री संवरण है, निद्रा है, दूसरा विकल्प उठते हैं मैं कौन चीज संवरण है, निद्रा है नहीं। आया का स्वाध्याय करना, के शास्त्र का उपदेश करना, वो सारा विकल्प है, बंध का कारण है, कि संवर निद्रा का कारण बिल्कुल नहीं। बराबर तड़का पैर जितलो फिर बेट जुदो तड़का, समझते धूप 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 न छाया, समझ में आया? क्या कहते देखो, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आंगनी मूर्ति ने प्राप्ति, उसको भगवान मोक्ष कहते हैं। बराबर परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देश, उसका कारण आत्मा का ध्यान को एक ही कारण कहते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं, मार्ग कहते हैं। बराबर समझ में आया? उसके कारण भूत स्वात्म ध्यान को अवश्य कहते हैं, हम लोग
उस कहते हैं मोक्ष का कारण वो स्वात्म ध्यान को आया विश्राम महाराज कब आया था ने कि स्वाध्याय आत्मा का स्वाध्याय एक स्वाध्याय है शास्त्र के स्वाध्याय आदि स्वाध्याय है ही नहीं आती भगवान ने रजमनंदी पच्चीस जी में से भगवान आत्मा निर्विकल स्वरूप विकराल स्वरूप उसका आश्रय में एकाग्रता होना शांति से निर्विकारी निर्विकल्प से एकाग्रता होना वो एक ही स्वाध्याय भगवान का शासन में कहने में आया है शास्त्र स्वाध्याय करते करते निद्रा होती है दूरी में नहीं होती है कौन समझी कठोर बात है भाई यहाँ तो विकराल मार्ग विकल्प उठते हैं वो सब स्वाध्याय है ही नहीं परमात्मा स्वाध्याय भगवान आत्मा अंतर्मुख होकर जितनी एकाग्रता प्रकट करे उसको ही भगवान मोक्ष का कारण संवर निद्रा रूप पर्याय गिनने में आ गए बाकी जितना भी कलम उठते हैं समझ में आया सब इष्ट नहीं इष्ट नहीं कौन इष्ट है रत्न त्रय पण इष्ट नहीं अनिश्चय 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 सब अनिश्चय चाहे तो भगवान की भक्ति हो प्रमोशन की यात्रा हो प्रमोशन की यात्रा हुई हो समय से रहो तो कुमकुम लाचार गई ना प्रमोशन की यात्रा करने को यहाँ से भगवान पर गई विकल्प था ये तो त्याग दिया ही तुम बताओ ने बताने को बाकी जितना अंदर स्वास्थ्य में पड़ा इतना ही है समझ में आया वस्तु तो वस्तु रहेगी वस्तु की दूसरी करे तो होगी कोई दूसरी रीति बना रहे तो वस्तु फल फिर जाएगी इष्ट का उपदेश यथावत प्रतिपादन किया है इष्ट का उपदेश बराबर प्रतिपादन किया है सात प्रकार का समय तो कितना छप्पन 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 हो गया पैंतालीस इसका इसके द्वारा इष्ट उपदेश द्वारा अथवा इसमें इसलिए एम कहा हुआ कहते हैं इष्टोपदेश इसका भली प्रकार व्यवहार नीचे से पठन एवं चिंतन करके क्या कहते हैं व्यवहार नहीं से कहने की पद्धति को व्यवहार नहीं से जानना पकड़ना नहीं कह जाया भाई मैं व्यवहार नहीं से कथन आया हो कि गुरु से मिलते हैं गुरु से ज्ञान होता है ये व्यवहार नहीं का कथन को व्यवहार नहीं से समझना ये बात भी कोई व्यवहार नहीं से कथन आया हो तो ऐसा जानने के लिए कैसा है नहीं कहीं देखो घूमन सार आ गया था अपना स्वभाव का पुरुषार्थ करते हैं सब कर्म में कर्म के कारण से सूक्ष्म उसमें उसके कारण से होता है उसकी अपेक्षा यहाँ है नहीं कि कर्म का सूक्ष्म हो तो अपने में आनंद शांति की प्राप्ति हो ऐसी अपेक्षा स्वरूप की निरपेक्ष दृष्टि ज्ञान ने विकरालता में पद की अपेक्षा बिल्कुल नहीं व्यवहार रत्नत्रय की भी अपेक्षा नहीं आया भगवान आत्मा निरालंबी प्रभु उसकी पर्याय में पर की आलम्बन बिना एकाग्रता होना वो निश्चय
बीच में व्यवहार आया कि गुरु से समझाया, ऐसी भाषा व्यवहार आए तो व्यवहार से कथन ऐसा आए उसको नीचे ही नहीं मान लेना। बराबर समझ में आया, व्यवहार का उद्देश्य को व्यवहार तरीके कहने में आता है, ऐसी पद्धति जान लेना। सही का स्वास्थ्य की बात चलती है वो यथार्थ है ऐसा जान लेना। आया कछ भी जीव बढ़ी हो कछ भी कमो बढ़ी हो गया था अंदर में व्यवहार नहीं बात हो तो हुआ कम बढ़ी हो नाम तेरा उल्टा पुरसा था तो ते कर्मों पर जोर दिया, तेरा सुलटा पुरुषा तो आत्मा पर जोर दिया, बोल बात तेरी है दूसरी को है नहीं। मैं आया कथन हो व्यवहार करा जब परा स्वीकार तो ऐसे समझना को व्यवहार का कथन है, जानने लायक है आदरने लायक नहीं। हाँ देखो हाँ व्यवहार पठन एवं पठन एवं चिंतन करके हित हित की परीक्षा करने में चतुर ऐसा भय प्राणी भव शब्द जो भव से जो मल जो कही चलो सुनो मेरे को मल या भी फूकेगा कि व्यवहार निश्चय नु कहीं निमित्त का उपदेश हो व्यवहार का उद्देश्य हो तो जानना ऐसा एक पद्धति व्यवहार से कहने की है आदरणीय की चीज समझ में आया। गुरु का शरण कमल नहीं पूजा से संजय ज्ञान होता है ऐसा आया था उसमें तो उसका ऐसा समझना को निमित्त का कौन था अपना स्वरूप की प्राप्ति के काल में निमित्त कौन था इसका व्यवहार से ज्ञान कराया उससे आत्मा की प्राप्ति होती है ऐसा समझ लेना नहीं। ध्वनि से आत्मा समझा जाता है ऐसा कथन आते हैं आया था अंदर में बहुत शास्त्र की बात तो जानना तो व्यवहार की पद्धति कथन की रीत है। आत्मा अपना स्वरूप का आश्रय करके निर्विकल्प दृष्टि ज्ञान आनंद प्रकट करते हैं उसमें निमित्त की तो अपेक्षा नहीं पर निमित्त तरफ का लक्ष्य में जो विकल्प आया था उसका भी जिसमें लक्षण है अपेक्षा नहीं ऐसा निश्चय का स्वरूप निश्चय रूपे जानना कोई कही जो तो नज्जा थे क्या रहते कहे कौन जाए कौन तेरा लक्ष्य छुटा उससे तो तेरा निरपेक्ष दृष्टि में हो वो नीचे व्यवहार से कहने में आया हो तो ज्ञान करने कराने में आया हो तो वस्तु स्थिति ऐसी नहीं पर हम जी जाए गुरु ना सेवा कर मैं प्राप्त हो जाए विश्राम मार्ग है भैया हित हित की परीक्षा करने में चतुर्थ देखो विकल्प उठते हैं ये हित है भगवान आत्मा अपना शुद्ध आत्मा में एकाकार ध्यान करना वही एक हित है ताकि सारा उपदेश आदि का विकल्प उठते हैं कि सब अहित है ऐसा यथार्थ भान करना चाहिए बराबर आप लोग पहले बात किया था एक बाछी के साथ में नहीं कहा था बाछी कितना वर्ष हुआ 40 वो कहते तारे तरे से तारे ऐसा शब्द था या दूसरा एक वकील के तारे से तरे ऐसा लिखो बहुत अच्छा भैया जी और दूर जैसा बुद्धिमान होता है 40 वर्ष की बात है 40 वर्ष संबत 1982 समझ में आया 40 वर्ष हुआ न भगवान के समा का था तो करे से तारे ये तो साधारण है ना करे तारे निमित्त तरीके तरे तो इस तरह से चारे उन्होंने निमित्त के भाई करे से तारे मेरे हूं तारे हैं इतना बताना था लिखा था काल कुछ बड़ी ने
Stapa Upajitha, Stapa Amnei Priyata. Alarvai Kandur Chiam Vakinta. Maharaj Akata Yem Lakhundu. Stare, 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 stare. Itlana Gutu Vaja Vakinta. Dar zi, Gutu Vaja Vakinta. Atma Gutu Vakinta. Cui amândar cec ne ne gutu, ce a gărna e tu ce stai? Dunia ne dhana ne sare te stare. Are mund e asa e. Cetna ne kena sinkhya, kini sinkhya ugi. Cetna ne sare, ce a gărna? Ko bhi tare ne apne ko tare samukti uski ho jaangi. Mara ka swaroop usne jaisa hai aisa na samjhe to andar sand mitat ka reh jata na wo sand usko mar dikhna mein kat vigan kar de. Ha sab buddhi hai ek baat hai. चतुर हित हित की परीक्षा करने में चतुर ऐसे बल प्राणी जिसने आनंद ज्ञान आदि प्रदो हो सकती तो भय की व्याख्या करी भाई बल किया कि जैन योग्यता आनंद ज्ञान आदि प्रकट भवानी योग्यता है ऐसा बल वशिष्ठ भय किसको कहते हैं भय किसको कहते हैं कि जिसको आनंद ज्ञान आदि प्रकट होने की योग्यता किसी बात है यहाँ अर्थ बराबर शब्दार्थ नहीं किया है पाठ में रखा है भव्यु आनंद ज्ञान आदि आविर्भाव युग संस्कृत है एने ठिकाना अडू हूं किन्ने के थोड़ू खरेखर तो जो एक भव्य प्राणी कैसा है कि जिसने इष्ट अर्थार्थ ध्यान करना आदि यथार्थ कि बल आनंद ज्ञान आदि प्रकट होने की जिसमें लायकात है बस इतना इस उपदेश के अध्ययन ऐसा भव्य प्राणी ऐसा भव्य प्राणी आयुषोपदेश के जन चिंतन करने से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान देखो तो उसका कहना का ईश्वोपदेश कहने का आशय था अंतरात्मा का ध्यान करके आत्मज्ञान प्रकट कर आत्मज्ञान प्रकट किया उससे मान अपमान में राग वृक्ष को न करना रूप समता का प्रसार कर ज्ञाता दृष्टा अपना स्वरूप को प्रकट कर ज्ञाता दृष्टा अपने ज्ञाता दृष्टा अपना का विस्तार कर अर्थात विकराग भाव की शांति का विस्तार कर मान अपमान में राजद्वेष को न करना रूप क्षमता का प्रसार नगर ग्रामादिक में हो गांव में कदाचित हो श्रावक के मनुष्य अथवा निर्जनवन में हो या जन ऐसे वन में हो विधि पर उठरते हुए अपनी वितरणता प्रकट करना वो विधि पर उठरते हुए चाहे सो नगर में हो चाहे सो जंगल में हो अपना स्वाश्रय की विधि जो वितरणता प्रकट करना वो विधि पर उठरे कोई से राग उत्पन्न जाना हट जाना ऐसी चीज में ठहरे बहुत मुखा दिया है कोई पण संयोग मां उसको ऐसे न लग जाए आ ठीक है ऐसा ठीक नहीं ये आग्रह मिथ्या है कैसे बराबर हो कि वन हो वन में मुनि भसते हैं पण कहते हैं कि उसको ऐसा आग्रह नहीं है कि आ हो तो ठीक ना है तो आग्रह तो ये तो आग्रह हो गया पर क्षेत्र का आग्रह हुआ आया जहाँ अपना स्वाश्रय की वृद्धि अपना भाव में हो त्यहाँ द्रव क्षेत्र का भाव संयोग सज्जन हो वनमा हो के जन्मा हो समझाया जन्मा इतने मान हो क्या अपना वितरागता की पर्याय वृद्धि हो ऐसी विधि करना बराबर एक विधि की विस्तार करना वो में वो बताए कि घटे का हम थे ऐसा पैसा उसमें आग्रह करना एम कहते हैं बराबर विस्तार जीता रहे हम जो हम
विधि पर शर्तें छोड़ दिया है, बाहरी पदार्थों मैं और मेरी पन का ग्रह ऐसा हो तो ठीक, या परपादर ऐसा हो तो ठीक, आग्रह का अर्थ क्या तेरे आया शरीर से ठीक रहे तो ठीक, ऐसा मराना पलों की वाली सके ऐसा सही हो तो ठीक, ऐसा जहां बुढ़ी बुढ़ी अस्थी हो तो त्या बुढ़ी बुढ़ी में आम पग रहे, हर चीज में पग न रहे, करने की चीज है ना, तो ध्यान करना ऐसा हो तो ठीक छोड़ दे, अगर पर का पदार्थ ऐसा हो न फैसला हो तेरे का क्या काम है, चलो विकराल भाव तेरेपन का मैं अने मेरेपन की मैं ये मारा समझे छे, ये हूं अने मारा बे अर्थ पर उसका आग्रह इतना हो तो ठीक, मेरे इतना अनुकूल है, इतना मेरे अनुकूल है, इतना मेरे प्रतिकूल है, आग्रह छोड़ दे, कोई बाई की चीज अनुकूल प्रतिकूल है नहीं, एम कहते हैं प्रदूषण का काल हो, 2000-5000 महाज एकता हो, अने कंठ बेची जाए तो कंठ ठीक हो तो ठीक एम ठीक लागे कि नहीं, एम कहते हैं आत्मा एक सेकंड के असंग भाग में पूर्णानंद प्रभु नाथ वितरागी स्वरूपी चैतन्य पिंड उसको आत्मा कहते हैं, बराबर उन पाप गया दान व्रत भक्ति विकल्प आदि सब बंद का कारण है, देने का विकल्प भी बंद का कारण है, उससे रहित भगवान आत्मा उसकी एकाग्रता का ध्यान में क्षमता का विस्तार करना, बाई की चीज ऐसी हो न हो ऐसा हठाग्रह छोड़ देना, अनुकूलता जनता था यदि मदद करती थी उसमें, ये व्यवहार ना कथन कीधु ने, व्यवहार ना कथन ने व्यवहार तरीके जाऊ बेई बात नहीं जीती थी, करे तो काम ग्रहण करना नहीं आओ तो आम बांधो वाव बांधो उगड़ा बार दीको ये बदा व्यवहार ना कथन ने व्यवहार जाणवा ये बधु एम आ जाए परमार्थ है नहीं, समझ में आया तिथि तो आप टीकाकार बी ना क्यों से मुनि मिला से भी नहीं, नीचे व्यवहार 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 नु ज्ञान करने जानवा तो जानी बस नहीं, हाँ ऐसा हो तो मेरा ध्यान होगा, ऐसा ध्यान ध्यान तो तुम एकाग्र अंदर न हो तो ध्यान होगा, बराबर व्यवहार जानेगा क्यों तेव व्यवहार कोई ने थे कोई ऐसा होता है, समझ में आया भगवान चिदानंद मूर्ति निर्लेप निर्दोष राग शरीर से भिन्न गुणा विराजमान है, बस उसका आश्रय करके एकाग्र होना वही जगत आत्मा को हित है कि सारा अहित कर मेरा है और मेरेपन का अगर अथवा हठाग्र जिसने छोड़ दिया है वितराग होता हुआ, हाँ 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 इतनी बात चाहे सो अनुकूल प्रतिकूल जगत का ये तो विनय है, पर चीज तो विनय है, विनय में ऐसा हो तो ठीक ऐसा न हो तो ठीक, विनय में छाप मारी गए दुराग्रह है वो तो छोड़ दे, भगवान एकीला ज्ञान में विनय बनाकर एकाकार ध्यान में आनंद का स्वाद लेना कोई तेरा एक हित है, आया खुद उपजे जो नहीं कैसे हित है हम कैसे हमला से कि नहीं गाने बाने केम थे 30 वर्ष पहले एक जंगल में हमें ऐसा बैठा था महाराज तमें बधी बात उपदेश भी करो तो करते पर भूखा पेट में अनाज पीड़ा ही ना धर्म धर्म जागनाथ जंगल में जागनाथ ना जंगल में कोई मकान नहीं था त्यार जंगल एक तो मकान थे तरत तरत छोड़ी दे पिए वक्त छोड़ी दे थोड़ा करना है तुम्हारे हाथ मले पीछे हाथ पचे पची धर्म करना है पचे पची जंगल हो जंगल गया पीछे धर्म करना है जंगल गया जो पेट खाली हो बढ़िया हरकत करना है कैसी तेरे धर्म नेव निशाल निवास है
समझ में आया? दूर में योग कहते हैं, पेट में अनाज हो तो ना उसकी साथ संबंध, तेरे आत्मा की एकाग्रता को क्या संबंध है? क्या तू कहते हैं कि देव सर्व दशा में बैठा हो और उसका स्मरण करते हो, ऐसा विकल्प भी आत्मा की एकाग्रता में बिल्कुल अपेक्षा रखते नहीं? नया फर्क तो ऐसा है, समझ में आया? समझ नहीं, उसमें गड़बड़ जरी करे मित श्रद्धा विपरीत हो जाएगी, हम कहते हैं आग्रह ऐसा विद्राल होता हुआ अनुपम नन ज्ञान आदि गुणों को, तो ये तो शुद्ध छवा बे प्रजा सुदाम था, ऐसी संपत्ति मुंह का पाठ में एक अच्छे पड़े हुए अनुपम नन ज्ञान आदि गुण भगवान आत्मा की पर्याय में संपत्ति रूप मुक्ति। देखो आज संपत्ति रूप मुक्ति बराबर, जिसमें आनंद ज्ञान दर्शन आनंद की पर्याय प्रकट हुई संपत्ति रूपी मुक्ति बराबर, वो प्राप्त कर लेता है। लाखवाद दुनिया नहीं हो उसमें भाई, लाखवाद की बात निश्चय उड़ाओ है कि नहीं बराबर। भगवान आत्मा एक समय में पूर्णानंद का लाभ, उसका अंतर एकाग्र होकर ध्यान करना, संयक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का ध्यान ही तीनों है। विकल्प मात्र आत्मा में तीर्थंकर गोत्र का बंद करने वाला विकल्प भी अपने को अहित करे, अहित करे तीर्थंकर प्रतिबंधित हो गए तो बहुत दो बहु हो गए अपने है कि ऐसा संतान लेता है जैसा के कहा गया। देखो समाधि तंत्र का श्लोक दिया, जिस समय तपस्वी मुनि मोह के उदय से मोह के कारण राग द्वेष पैदा होने लगे, उसमें शीघ्र ही अपने में स्थित आत्मा की क्षमता से भावना करे। देखो विकल्प उठने का समय के काल में ही अपना स्वरूप में भरा है। देखो स्वस्थ स्वस्थ ये बड़ा आनंद ने ज्ञान ने मूर्ति प्रभु भरा है, उसमें दृष्टि लगा दे, विकल्प नहीं लेगा। समझ में आया? शीघ्र ही अपने में स्थित आत्मा की क्षमता, अपने में स्थित आत्मा स्वरूप, आत्मानुस्वरूप आनंद ज्ञान आदि अपने में स्थित है, ये बाहर नहीं है। अपने में आनंद ज्ञान आनंद दर्शन आनंद वो अपने में स्थित है, उसमें ध्यान लगा दे। समझ में आया है? ये राजेश भाई भाषा केम कहवा है, एम का राग उत्पन्न किया हो तेरे क्या करे तो थी गयो, पर एने राग द्वेष स्वभाव ने काले अर्थान राग द्वेष उत्पन्न नहीं करना, जिसको ओ अपना स्वरूप में आनंद पर आए उसको ध्यान कर ले। बराबर समझ में आया? स्वस्थ आत्मा की भावना, स्वस्थ स्वमास्थ भगवान आत्मा में स्थ रहा हुआ अनंत चतुष्ट त्रिकाल ज्ञान दर्शन आनंद हम अपने में ध्रुव बने रहा है, इसकी भावना भावे, इसकी एकाग्रता रूपी भावना, भावना की कल्पना नहीं चिंता नहीं, इसमें क्षण भर में भी राग द्वेष शांत हो जाएगा। ईष्ट रूप उपदेश को बढ़े सुबुद्धि भव्य, मान अपमान में साम्यता निज मन से कर्तव्य, आगरा छोड़ स्वग्राम में यावन में सुबसे, उपमा रहित स्वमोक्ष श्री जी निज कर सहज ले, आत्मा मोक्ष ले हम कहते हैं। अपना आनंद कुंड भगवान का ध्यान किया, वो ध्यान ही एकाग्रता वो मोक्ष का मारा बराबर, आ उसने मोक्ष रूपी लक्ष्मी हाथ में कर लिया, इसे अवैध दशा प्रकट। आगे ग्रंथ के स्वीकार पंडित आश्वाधर कहते हैं, तो स्वभाग लिया व्याख्यान विनयंदु मुनि वाक्याद भव्यानुग्रह हेतु नाम ईश्वरोपदेश टीकेयम कृत आश्वाधर दिमता। विनय चंद्र नाम कोई मुनि हुआ है वो काल में कितना वर्ष याद था, आज से वर्ष या अच्छा, एना वाक्यों ना सहारा लेकर बड़े प्राणियों के उपकार के लिए, ओ एन कोई मुनि अच्छी उसना शब्द कोई भाव शांत दिमो वखान करते मुझे आशाधर पंडित ने धीमता कह ने धीमत पंडित
ये उपदेश ईश्वर उपदेश नामक ग्रंथ की टीका की है। उपश्रम एव मूर्त सागर इंदुर्मुनिंद्रा जन जनी विनय चंद्र सच कुरेक चंद्र जगत अमृत गर्भा शास्त्र संदर्भ गर्भा सुचि चरित वरिणो शेष दिनवंती भवाच। सागर चंद्र नाम का कोई दिगंबर मुनि हुआ है वो काल में आशाधर पंडित के काल में, उसका शीर्ष विनय चंद्र हुए उपशम की मूर्ति। जाने उपशम नहीं मूर्ति संत छरी के लो बिंब शीतल जैम शीतल बर्फ की शिला बर्फ की शीतल शिला ऐसे भगवान आत्मा उन पाप का विकल्प से रहित शीतल शिला प्रभु आत्मा शीतल शिला अंतर में एकाकार पुकार मुनि जाने शांत की मूर्ति हो जो आशाधर पंडित व काम करते हैं। ये वक्त कोई मुनि अने सज्जन पुरुष की चकोरों के लिए चंद्रमा के समान जो सज्जन पुरुष ना चकोर एवं पंखी माटी चंद्रमा समान और पवित्र चारित्र वाले जिन मुनि के अमृत में देखो पवित्र चारित्र वाला अने जी मुनि ना अमृत मरे जिनमें अनेक शास्त्रों की रचना समारी वाक्यों की बात कर रहे हो उनके वचन जगत को तृप्ति ने प्रसन्नता करने वाला है। शास्त्रों में यह है ना कथन में शास्त्र बोले तो सब शास्त्र में यह नहीं कह रहे उन्हीं को नहीं क्या मैंने उपशम रस ढली गया चंद्र में उपशम रस वरसे प्रभु सारा नयन उन पाप ना विकल्प नहीं पर कोला हर जमा छूटी गई है छूटी गई है। ऐसे भगवान आत्मा मुनि शांत चारित्र पवित्र वाला अमृतमय जैनी वाणी वचन एक शास्त्रों ने रचना समाई वाणी में अनेक शास्त्रों समाई गया एक शब्द में अनेक शास्त्र समापन समाई गया है मुनि का ज्ञानी का एक शब्द में अनुदाग मस्त है कीमत कहते हैं ऐसे उनके वचन जगत को तृप्ति न प्रसन्नता करने वाले जगत ने तृप्त वचन लो हाँ तो आज पूर्ण करूं सुने कार्य भी जो शुरू करूं सुने जयंती जगति बंजा श्रीमत नेमी जनांगम द्र रेणवोपी शिरोवाग्नाहंती यदा श्रीदा जगतवन श्रीमान हेमिनार भगवान देव ने याद करते हैं जिन भगवान के चरण कमल जयवंत रहे परमात्मा की पर्याय निर्मल जयवंत रहे जिनके आश्रय में रहने वाली धूली भी राजाओं के मस्त पर जा बैठती है। परमानंद रूपी पथ जहाँ मुक्ति की पर्याय केवल ध्यान प्रकट हुई कहते हैं कि उसकी नीचे धूली एक पगने नीचे रहेली धूली इंद्रों का मस्तक ऊपर मुकुट में धूली जगकर चढ़ती है। बराबर है न जानने के लायक है जानने लायक है आदरने लायक जहाँ जहाँ जे जे युग छे क्या थे समझू व्यवहार आदरणी बिल्कुल नहीं है। तो कहते हैं कि इतना पुण्य भी भगवान का इतना है कि जिसका पग नीचे रहेगी धूल और इंद्रा मुगट माते जई ने दौड़ी जाया नीचे बड़ा करे ये मुगट नीचे करे थे धूल हटे नैन के थे धूड़ी उड़ी ने न्या टोटे आया भगवान आत्मा अपना स्वरूप की एकाग्रता होकर जहाँ सीध है जब विराजमान आत्मा हो जाएगा एम आखिर में कहते हैं लोग धूड़ी जहाँ जाएगा आत्मा इतना पूर्णानंद में प्राप्त हो जाएगा ऐसा ईश्वर का फल तरीका है आसान।
उसने कहा।